अली असगर जो बोल रहे हो ना, अरे तो सरकार कब से बन गया तू? सरकार हुई है? सरकार तो हुई कौन सा, मोदी सरकार? मोदी का तुम लोग हर्षद मजनी और महमूद मजनी वो लोग चाटुकारिता करता है ना। क्या क्या करता है? अरशद मदनी आतंकवादी जो है और महमूद मदनी आतंकवादी है, वो लोग तो करता है ना आतंकवादी चाटुकारिता। और आतंकवादी अरशद मदनी साहब और मुफ्ती महमूद मदनी साहब आतंकवादी है। अरे तुम लोग जितना भी वहाँ भी है, जो भी अंग्रेज का जन्ना हुआ है जो भी है, वो वहाँ आतंकवादी नहीं है। तू बोल रहा है ना तो क्या वो आतंकवादी? अरे हर वहाँ भी आतंकवादी है। तेरा मुल्ला मुजाहिद एक अखबार है, जाविया नजर मुफ्ती मुजीबुर रहमान लिखता है, मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद एक इंसान भी किरदार है और एक ऐसी हकीकत भी जिसने अपने अहद बात पर गहरे नकोश सबत किए हुए हैं। उस अमेरिका को मतलब अपराध में सहर सर फहरिस्त है और उनकी निशानदेही करने वाले के लिए भारी इनाम मुकर्र था। उनकी जिंदगी बिलाशब हजीमत और इस्तेकामत से इबारत थी। मुबीना तौर पर ये अभी अगर सुनो, आतंकवादी के जने हुए क्या हुआ? पहली बात तो तुम लोगों ने जो आतंक मचा रखा है ना, इसका तो कोई कहानी नहीं है। चाटुकारी तक हद से जो बाहर कर रहे हो, अरे यार रही बात तुम डॉक्टर मारो बिस्बाई नईमी, अरे तुम बोल क्या रहा है? हाँ तो सुन, ये मेरे पास दवामुल आयश है, पता है किसी किताब है? तुम जो बात करना चाहते हो जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक में क्या बात करोगे तुम, क्या मुनाजरा करोगे? हाँ सुनो ना, तुमने बोला हम अंग्रेज के औलाद हैं, तुम्हारे मुजद्दद की किताब है दवामुल आयश, वो सफर नंबर 15 पर लिखता है, खुशी खुशी अंग्रेजों की हिमायत में हिंदू और मुसलमान सिपाही लड़े और मिस्टर गांधी ने हिम्मत अफजाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुशी खुशी अंग्रेजों की हिमायत में हिंदू मुसलमान सिपाही लड़े। तू मुफ्ती जरा समझा दे, यहाँ पे मुसलमानों से कौन मुराद है? मुसलमान हाँ, यहाँ खुशी खुशी अंग्रेजों की अरे सुन यार, मैं अरे मारो मिसबाही नहीं भी, इतना बड़ा मुनाजिर है तो भाग रहा है। अरे मैं ये पूछ रहा था, मैं ट्रैवलिंग पॉइंट में, अरे मैं ट्रैवलिंग पॉइंट में हूँ, मैं ट्रैवलिंग पॉइंट में हूँ, मेरी बात सुन यार। मैं भागता कहाँ आया, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वहाबियत को दौड़ाई है। हाँ सुन ना, सो भाग से भाग रहा है इसी बारे अरे बेवकूफ आदमी हो तुम, जाहिल इंसान। अरे तो वहाँ भागना और है, और मोइनुद्दीन अजमेरी कह रहा है अच्छा ये क्या बोल रहा था मैं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, वहाबी का कुरान कौन सा है? भाग गया क्या? मेरे पास किताब मकाबिसुल मजालिस है, उसमें लिखा है, आपने फरमाया कि बेशक इसी तरह है, वहाबी ना सहाबे कराम को बुरा कहते हैं ना विलायत से इनकार करते हैं। तो फिर जो वहाबी ऐसे हो और तू बोल रहा है उसको भगा रहा है, यानी तो वहाबी जो है सहाबा और अवलिया के जो आयत हो उनको जो मानता हो तो तू उसको भगाएगा? कितना बड़ा मुनाजिरा, भाग गया भाग गया ना। अच्छा ये जो आप हवाला दे रहे हैं मकासिबुल मजालिस, ये वही है ना जिसको हाजत मकासिबुल कह रहा था? हाँ मकासिबुल कहता था। ये तो एक बार था रमजान महीने में फोन किया था मुझसे हजरत, तो उसने मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, नए नंबर से फोन किया था उसने, तो उसने कहा अस्सलाम अला मन इत्तबा अल हुदा,
तो इतने में उसकी आवाज़ मैंने पहचान लिया। मैं बोला अरे डॉक्टर मारूफ मिसबाह नईमी, तूने ये सलाम का जवाब दिया है, ये क्या है? ये किसका तेरे किसको क्या कह रहा है तू? कह रहा है दुआ है वहाबियों के लिए। तो मैंने कहा अरे तू अपने मुजद्दिद की मुखालिफत कर दिया, तेरा मुजद्दिद कह रहा है सुम्मा ला यऊदून, वहाँ भी लौट कर नहीं आएगा, उसके लिए हिदायत की दुआ बेकार है, और तू एक बेकार काम करके अपने अहमद की मुखालफत किया, और तेरी इम्तियाज अहले सुन्नत कह रही है जो अहमद आला हज़रत की मुखालफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। इतना बड़ा मुफ्ती कहलाता है, मुनाजिर कहलाता है, और अली असगर साहब ऐसा काम कर दिए तू ईमान मरेगा? और तो बेईमान मरेगा। जी। चल।